था। साथ ही युवक को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके बाद अपहरणकर्ताओं से 8 लाख रुपए में इस युवक को छोड़ने का सौदा तय हुआ। फिलहाल गैंग का एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। भरतपुर की वैर थाना पुलिस ने पिछले 2 साल से फरार चल रहे 4,000 रुपए के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरलाल मीणा ने बताया कि भौंडा गांव में 6 जुलाई 2018 को 5 हथियारबंद बदमाशों ने क्रेशर पर सो रहे मजदूरों को बंदूक की नोक पर डरा धमका कर लूटपाट उनके साथ की। इस मामले में 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन आरोपी धीर सिंह उर्फ धीरज गुर्जर 2 साल से फरार था, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया गया है। पांच से बदमाश हथियारबंद आए और जो मजदूर देख रहे सर के उनको धमकी दी और काम करने की धमकी दी और रंगदारी मांगी, उससे चोर दूसरे लेके पैसे मांगे, भाई पैसे दो नए दो काम बंद करो, और उन मजदूरों के 5-6 मोबाइल थे वो लूट करके ले गए। इसमें प्रकरण संख्या 171/18 धारा 395 दर्ज करके अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान ट्रेस हुआ कि ये रामलखन गुजर की गैंग है, डकैत की गैंग है, जिसमें 6 नाम ट्रेस हुए, जिनमें से 5 मुलजिम आज तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में राजस्व भूमि पर वर्षों से पुश्तैनी मकान बनाकर रहने वालों के नाम रेगुलाइजर करने की मांग उठने लगी है। शुक्रवार को कुछ ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी अनुराग हरित को ज्ञापन सौंपा। मालाखेड़ा में ग्राम पंचायत जमालपुर और बुलंदी पंचायत के कब्जेधारी ग्रामीणों ने ज्ञापन की कॉपी श्रम मंत्री टीकाराम जूली को भी भेजी है। गौरतलब है कि मालाखेड़ा तहसीलदार ने ग्राम पंचायत जमालपुर और ग्राम पंचायत बुलंदी के करीब 300 लोगों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का नोटिस भेजा था। इसी को लेकर उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को इस क्षेत्र में लोगों ने ज्ञापन सौंपा। रे लाला राम पीछे छोड़। रे ला